अब हम ये आए हैं परियार स्पाइसेस एंड आयुर्वेदिक गार्डन। तो यहाँ पे व्हाट्स योर गुड नेम? दिबिन पद्मनाभन। दिबिन पद्मनाभन, ओके सर, आइए सर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जाम क्वीन ट्रैवलर्स। ये हमारी केरला सीरीज पार्ट टू। ये एपिसोड पेरियार स्पाइस एंड आयुर्वेदिक गार्डन पे एक डॉक्यूमेंट्री टाइप है। यह गार्डन ऑन द वे मुन्नार रोड पे है। ये एपिसोड अराउंड 50 मिनट्स का है, इसलिए इसके दो पार्ट होंगे। आगे जाकर ले आ, अगर को बोले तो चल जाएगा, वो जगह इतना अच्छा नहीं मिल पाएगा, वही प्रॉब्लम है। पेरियार का आप लोग का जो अभी गवर्नमेंट स्पाइसेस पेरियार में लगा चला रहा हूँ मैं, यही आप लोग को स्पाइस ओनली स्पाइसेस लेना है तो वहाँ भी ले सकते हैं, मतलब टेकड़ी में। रोक दो हमको, देखने दो अभी टेकड़ी में क्या किया है, कैसे है वहाँ पे? वो गार्डन में लेके जाएगा आप लोग को गेट के साथ, वो बताएगा वो अभी। तो पूरे ऑर्गेनिक गार्डन से, ये पूरे ऑर्गेनिक गार्डन से, ये गवर्नमेंट में क्या होता है, थोड़ा अच्छा माल मिलता है, सस्ता मिलता है और थोड़ा फ्रेश मिलता है। और जो प्राइवेट में क्या होता है, दूसरे से भी लेकर रखते हैं, वो सब मिलावट है, उसका कोई मतलब नहीं है। आपसे पैसा ही लेना है, दूसरे कुछ मतलब नहीं है उसका। आप खड़ी कर दो, देख लेते हैं। नहीं, इधर भी खड़ी कर दो, देख गार्डन। सो हम लोग पहुंच गए पेरियार स्पाइस एंड आयुर्वेदिक गार्डन। इधर टाइगर है क्या? नो, नॉट अ टाइगर। वाओ, ब्यूटीफुल ट्री। हां, एक मिनट। हाँ सर, कितना रुपया टिकट है? क्या है साहब? कितना रुपया टिकट सर? एक जन का 100 रुपए का टिकट है। और आप अभी अंदर क्या क्या बताओगे? अंदर क्या क्या बताओगे? ये तो गार्डन है सर, स्पाइस हर्बल मेडिसिनल गार्डन है साहब। आप वेटिए, गाइड विल कम एंड एक्सप्लेन टू यू एवरीथिंग, लाइक व्हाट आर द प्लांट्स हियर, हाउ डू दे ग्रो, हाउ डू दे यूज टू फॉर। गाइड विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली। कितना साल पुराना है गार्डन? एक्चुअली इट्स 300 acres ऑफ प्लांटेशन है साहब। डिस्प्लेस ओनली 1 acre इंक्लूडिंग ऑल प्लांट्स। इट विल टेक 20 to 30 minutes गार्डन घूमने के लिए। हाफ एन आवर। ओके अजेश। यस सर, अजेश एंटनी। अजेश एंटनी, यस सर। प्लीज रुकिए सर, बोलो किधर है हम लोग। अब हम ये आए हैं परियार स्पाइसेस एंड आयुर्वेदिक गार्डन। तो यहाँ पे दिबिन हिल गार्डन। व्हाट्स योर गुड नेम? दिबिन पद्मनाभन। सॉरी, दिबिन पद्मनाभन। दिबिन पद्मनाभन, ओके सर, आइए सर। सर गुड मॉर्निंग, मेरा नाम दिबिन पद्मनाभन और मेरा गांव इधर से सिर्फ 10 किलोमीटर अड़ीमाल एक जगह है। अभी आप मुन्नार जा रहे हैं ना? या सेम रोड में है सर मेरा जगह भी। यार हमारा पेरियार स्पाइस पूरा 300 एकड़ का, एक ही एकड़ में हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन कर लिया है। सारी अपने अपने जो नॉर्मल घर में क्या क्या जो मसाला यूज कर रहा है वो सारी प्लांट आपको दे सकता है, और आयुर्वेदिक मेडिसिन प्लान भी, ठीक है सर? क्योंकि हमारे जो 300 एकड़ में ट्राइबल्स हैं, तो आदिवासी लोग देखते हैं, तो उधर से लेके आते हैं हमारे जो सारी चीज, ठीक है? ये सारी दिखने के लिए कम से कम 20 मिनट लगेगा, चलेगा ना? ठीक है, आधा घंटा ले लो सर। ठीक है, आइए। 35-40 मिनट ले लो। नो नो, अब क्योंकि ये वाला है, जायफल जावित्री दोनों, ये देखा मैडम, नींबू तरह इसका अंदर ही होता है, क्योंकि इसका सीजन होता है अगले महीने। फूल वाला आता है वो ना? हाँ वही है मैम, इसका अंदर ही होता है। दिस इज कॉल्ड जायफल। ओके सर, जायफल का पेड़ है। जायफल हम नॉर्मली जो छोटे वाले बच्चों को भी दे सकते हैं, क्योंकि डाइजेशन प्रॉपर होने के लिए मदद करेगा, और जावित्री बीपी पेशेंट्स को भी अच्छा है, क्योंकि डाइट प्लान पे इंक्लूड करेगा तो इसमें पोटेशियम का लेवल होता है, तो बीपी कंट्रोल करने के लिए भी मदद करता है चीज, ठीक है? आइए, और सर ये प्लांट का नाम है बिलिंबी फ्रूट। विच? ये है सर, वो ग्रीन कलर का देखा सर, वो ये इसका फ्रूट, ये पेड़ का नाम है बिलिंबी, ठीक है? और फ्रूट है नीचे वाला ग्रीन कलर। वो फ्रूट्स क्या करता है सर? एक्चुअली हमको जो कोलेस्ट्रॉल के लिए, आंवला टाइप है वो। आंवला? आंवला टाइप है। टेस्टिंग कर सकते सर? एक्चुअली ये टेस्ट करेगा तो उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि सोडियम कम हो जाएगा। Okay. क्योंकि थोड़ा सा खाएगा तो हमको जल्दी पता चल जाएगा, डिहाइड्रेट भी आएगा। ओके ओके, आधा मिनट का अंतर, ऐसा ही चीज, ठीक है? अच्छा। क्योंकि इसको मेडिसिन पर्पस के लिए इसका एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। अच्छा, अच्छा, क्योंकि हमारा बॉडी में दो टाइप कोलेस्ट्रॉल होता है, LDL नहीं तो HDL कहता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन,
एंड हाई डेंसिटी लिपिड प्रॉपर्टी। एलडीएल मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल। हमारा बॉडी से जो एलडीएल मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल निकल के गुड कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करने के लिए मदद करते हैं चीज़, और हार्ट का प्रोटेक्शन, ब्लॉकेज, स्ट्रोक वगैरह सारी चीज़ों का प्रिवेंशन करने के लिए, और नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल का लेवल होना चाहिए 200 mg/dL, ऐसा वो मेंटेन करने के लिए मदद करेगा। क्योंकि आयुर्वेदा में डिसीज को सिर्फ एक ही डेफिनेशन होता है, त्रिदोष सिद्धांत, वात, पित्त, कफ, ये तीनों चीजों के इम्बेलेंस में होता है डिसीज, ठीक है। क्योंकि ये चीज पित्त रिलेटेड चीज है, तो इसलिए क्योंकि ये हमारे बॉडी से निकलने के लिए तीनों रास्ता होता है, स्वेटिंग, मोशन, यूरिन, ठीक है, उतना है बिलिंबिक। ओके, दिस इज कॉल्ड कोको पाउडर, राइट? यस सर, ये वाला है कोको। कोको इसमें है छोटा खान टेस्टिंग के लिए? सर टेस्टिंग के लिए अभी नहीं है, फ्रूट कुछ भी हुआ नहीं अभी तक, कुछ टेस्टिंग के लिए नहीं सर, टेस्टिंग नहीं है सर, क्योंकि उसको टेस्ट कर। यस यस राइट, चॉकलेट, ये सारी चॉकलेट का मेन बेस है कोको बीन। शिया बटर सुना आपने, मॉइस्चराइज क्रीम, शिया बटर का मेन बेस इसके अंदर ही होता है, कोको पल्प नॉर्मली यूज करते हैं, और कोको पाउडर सुना आपने, कोको पाउडर बच्चों को दे देगा तो अच्छा है, क्योंकि इम्यूनिटी और फेयरनेस भी मिलने के लिए मदद करते हैं, ठीक है। और ये वाला है वेनिला, इधर ही है वेनिला, इसमें मेल एंड फीमेल होता है, मेल का स्टेम ऐसा थोड़ा पतला होता है और फीमेल का ये वाला स्टेम मोटा होता है, और मेल का फ्लावर व्हाइट कलर में होता है और फीमेल का ब्लू कलर, एक ही प्लांट में आता है, एक ही प्लांट में होता है सर, देखा एक ही प्लांट है सर, ये देखा ऐसा होता है, देखा नीचे उधर से है मनोज जी, अच्छा वो फीमेल है, इसमें मेल स्ट्रेट वाला, यस। और इसको हमको जो ड्राई करके इसका एसेंस निकलना है, जो एसेंस हम नॉर्मली यूज करते हैं सारी आइसक्रीम नहीं तो केक वगैरह चीजों में, ओके। और ये हमारे केरला का बहुत स्पेशल प्लांट है, बहुत स्पेशल मतलब बहुत फेमस है ये, सिद्धा, यस सर, सिद्धा, नी पेन, जॉइंट पेन, एंगल पेन, शोल्डर डिसलोकेशन वगैरह सारी चीजों के लिए यूज कर सकता है, और अंदर इन्फ्लेमेशन वगैरह कुछ है तो गाउट आर्थराइटिस, और हम ऐसा करेगा तो ऐसा आवाज आएगा, कट 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 आ जाए समटाइम्स, कम सर, क्योंकि साइनोइड फ्लूइड कम होने वजह से होता है, साइनोइड फ्लूइड कम होने के लिए सिर्फ तीनों रीजन है मेनली, नंबर वन हमारा लाइफस्टाइल, नंबर टू ओबेसिटी, नंबर थ्री एज वाले लोगों को ज्यादा होता है, क्योंकि उन लोगों का मसल स्ट्रेंथ, बोन स्ट्रेंथ, बोन डेंसिटी, इसका पैर दर्द है शाम को आता है तो, वो वगैरह पूछो फुटबॉल वगैरह खेलता है सर, उसके से होता है वो, क्रिकेट और बैडमिंटन, ठीक है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब जो हमारे जो बोन्स के अंदर एक लिक्विड होता है वो ये साइनोइड फ्लूइड, वो कम होने वजह से हमारे जो बोन का ऊपर एक कैलेज भी होता है, ऐसा फ्रिक्शन हो जाएगा, वो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आरए फैक्टर कहते हैं इसको, ठीक है। आरए फैक्टर ऑटो इम्यून सिस्टम, हमारे जो टिश्यू में इधर का जो जॉइन होता है उधर का टिश्यू में एक्ट होता है, वो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऐसा वाला सारी, और मिनिमम 40 days कंटिन्यूसली यूज करना, उसके बाद हफ्ता में 7, 6, 5, 4 ऐसा करके रिड्यूस करना है, क्योंकि नॉर्मल आयुर्वेदिक मेडिसिन का इफेक्ट आपको एलोपैथी नहीं तो होम्योपैथी तरह जल्दी नहीं मिलेगा, टाइम चाहिए, मतलब एक ही बार क्योर हो गया तो वही इश्यू वापस नहीं आएगा, ठीक है। पर ये हमारा स्पेशल सिद्धांत है, आइए, ये लीफ का ऑयल बनता है सर? नहीं सर, रूट से, रूट से है हमारे मेडिसिन, आइए सर। अगला है हमारा पेपर, काली मिर्ची ही है, ठीक है सर, लगाएगी नहीं इसके अंदर, अभी ऊपरी है सर, अभी है वो ग्रीन कलर पे, देखा सर आपने, तो उसका पत्ते में टेस्ट आएगा, वो पत्ते में भी टेस्ट आता है ना, वो काला काला पत्ता वो, ये ट्राई करके देख लीजिए इसमें होता है, क्योंकि एक्चुअली ये ब्लैक पेपर एक पैरासाइट तरह है, ऐसा रूट पे आता है और ऐसा सपोर्ट भी देना टेस्टिंग, एक्चुअली इसका सीजन भी खत्म हो चुका है, मैं ऊपरी है, इसमें तीन वेराइटीज आपको मिलेगा, ग्रीन पेपर, व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर, सबसे अच्छी चीज है व्हाइट पेपर, तीनों भी इसमें मिलता है, एक ही चीज में मिलता है, क्योंकि ग्रीन पेपर ऐसा हमको नॉर्मल हिट भी करना है, मतलब ग्रीन पेपर का नहीं सर, एक ही उसको अलग अलग निकाल लेते वो टाइम पे, ग्रीन रहेगा क्योंकि फ्रूट होने के बाद 2 दिन आम पानी के अंदर डालना, उसके बाद जो स्किन रिमूव करना वही व्हाइट पेपर, और ये फ्रूट होने के बाद ऐसा नॉर्मल हिट पे ड्राई करना, ऐसा पूरा तीनों चीज एक ही रूम में होता है सर। इसका नाम है नागलिंगम, ये सिर्फ जेंट्स के लिए, मैं आप दोनों को अकेले बताया गया, ठीक है, हम समझ गए, फैमिली है इसलिए हम समझ गए, ओके, इसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। और यही है कॉफी, उधरी है सर, कॉफी उधरी है, ब्लैक कलर का, देखा आपने, यस मैन, कॉफी इसमें 10% ये सर, इसमें 10% पानी होता है, ये हमको ड्राई भी करना पड़ेगा, रोस्ट भी करना पड़ेगा, नॉर्मल आउटर मार्केट में आपको मिलेगा ब्रू कॉफी, नेस्कैफे वगैरह चीजों, एक्चुअली उसमें जो लोग
इंग्रेडिएंट वगैरह यूज कर रहे हैं, इसलिए स्मेल टेस्ट सब अलग अलग होता है। नॉर्मली हमारा कॉफी का टेस्ट होता है कटुआ, ओके, बिटर होता है। और एक प्लांट कौन सा है सर? ग्रीन कलर सर, ये एक्चुअली नॉर्मली होता है सर, वो ये हल्दी है क्या? हल्दी है क्या? हेल्दी हेल्दी नहीं, नहीं हल्दी हल्दी हेल्दी नहीं सर, क्योंकि दूसरा क्लासिफिकेशन है। टर्मरिक तरह यूज कर सकता है, मतलब जो कोई सर ज्यादा वो कटिंग वगैरह कुछ हुआ तो थोड़ा ऐसा क्रश करके लगाना, बस ऐसा है उसका पर्पस। ये सूखता है क्या? वो जिंजर नहीं है, जिंजर तरह क्लासिफिकेशन में होता है, ओके, अगर सारी ऐसा है मतलब पर्पस दूसरा है। आराम से नीचे देखते पाछी, मैं बराबर ले दूं निशान आई। और ये एक्चुअली एक नॉर्मल डेकोरेटिव प्लांट है, सिर्फ डेकोरेटिव प्लांट भी नहीं है ये, इसका नाम है एल्युंगेरा। इसका अंदर एक पल्प होता है, ठीक है सर, कल ज्यादा बारिश हुआ था ऐसा, इसलिए ज्यादा पानी होता है इसमें। एक्चुअली एक पल्प होता है, वो पल्प हमको एलोवेरा के साथ यूज करना है, क्योंकि स्किन को टाइटनिंग करने के लिए मदद करेगा, रिंगल्स, डार्क सर्कल्स, पिंपल्स, पिगमेंटेशन मैनेज करने के लिए। हाँ, क्योंकि मैम ये इसका क्लासिफिकेशन ही एटलिंगेरा कहता है, टॉर जिंजर लिली एटलिंगेरा सेम क्लासिफिकेशन में होता है। टॉर्जन की लिली मैं आपको दिखाऊंगा, उधरी है फ्लावर, ठीक है। और उसके बाद जो डेड स्किन कुछ है तो डेड स्किन को रिजनरेट करने के लिए मदद करेगा, मतलब नया स्किन आने के लिए भी मदद करेगा ये चीज़। ये यूज करने के टाइम 15 दिन कंटिन्यूसली यूज करना, उसके बाद हफ्ता में रिड्यूस करना। इसका क्या यूज करते हैं सर? वो सारी हमारा स्किन में वो नॉर्मल होता है, इसके अंदर का प्लम निकाल के पल निकाल के एलोवेरा के साथ यूज करना, ओके। मैम एक्चुअली जो क्रीम वगैरह सारी चीज हमारी इधर नहीं है, सारी मेडिसिन हमको इधर से सारी चीज वो मुंह पे कहता है, क्योंकि आदिवासी लोगों को लीडर है, तो उधर से लेके जाके हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएगा, उधर से मेडिसिन करके इधर लेके आता है ऐसा। बट ये अभी कहाँ पे मिलेगा? अगर ये हमारे पास है मैम, इसका क्रीम है हमारे पास, क्रीम है एलोवेरा के साथ ही क्रीम है, एलोवेरा के साथ ही बिल्ड। यस सर, सो वी हैव टू जस्ट टेक इट एंड अप्लाई। यस सर, उतना है, क्योंकि तीनों चीजें होता है इसमें, एक क्योंकि मैम ऐसा चीज सिर्फ एक ही बार यूज करना है कुरियर। अच्छा, फिर भी दो साल तक आपका ऐसा रहेगा आपका। अभी जो एरिया में वो लोग रहते हैं वहाँ पे सन टैन बहुत आता है, वो ये आता है पता है, क्योंकि नॉर्मल एलोवेरा सारी हेयर फेस पैक में होता है एलोवेरा का कांटेक्ट। वो एलोवेरा में एक केमिकल भी होता है मैम, लैटिस, येलो कलर चीज आपने देखा कि एलोवेरा में, हाँ। वो ये लैटिस केमिकल, क्योंकि हमारा जो बॉडी में पूरा छोटा छोटा पोर्स होता है, इसलिए स्वेटिंग वगैरह चीज होता है, ठीक है। जो नॉर्मली अप्लाई करने का टाइम जो पोर्स का अंदर ये ऐसा फिल हो जाएगा, और नॉर्मल सनलाइट आने के बाद इसमें वो हीट भी होने वजह से पूरे स्किन डेड हो जाएगा मैम, वो ये रीजन, ठीक है। ये एक्चुअली कैसा मदद करता है, मतलब डेड स्किन को रिमूव करके रिजनरेट करेगा, मतलब पहले रिजनरेट उसके बाद वो कलर पिगमेंटेशन पूरा ठीक हो जाएगा मैम। और नॉर्मली इसका कोर्स होता है एक ही आदमी के लिए 3 महीने के लिए, ठीक है, एक ही बोतल 3 महीने आपको मिलेगा, उतना है बोतल 3 महीने तक चलेगा एक आदमी के लिए। वो कितना कोर्स होता है उसका सर? 720 समथिंग होता है उसमें। और उसका एक्सपायरी डेट कुछ एक्सपायरी सर? एक्सपायरी ऐसा कुछ नहीं है, और हमको एक्सपायरी इधर देना पड़ेगा, मतलब मैन्युफैक्चर डेट से 2 साल। अच्छा, नॉर्मली एक्सपायरी इसमें नहीं है, ठीक है। और ये आप यूज करेगा तो 2 साल तक ऐसा पिगमेंटेशन नहीं, तो आपको ऐसा जो कलर ब्लाइंडनेस वगैरह नहीं आता है। ये भी चलेगा सर? ब्लैक सर एक्चुअली आपको कितना लीटर पानी पीता है? 5-6 लीटर। 5 लीटर पानी पीता है। आपको नींद कैसा है सर? कम है। तो ये हम सब, ठीक है, हमारा आयुर्वेदा होम्योपैथी एलोपैथी में 5 डिजीज को कम्प्लीटली क्योर नहीं कर सकता है, अभी तक मेडिसिन भी मिला नहीं है, ठीक है, बनाया नहीं है लोगों ने। सबसे पहले इधर से थायरॉइड, HIV, BP, कैंसर, डायबिटीज सिर्फ कंट्रोल कर सकता है, ये सिर्फ थायराइड के लिए, इसका नाम है हमसपति, हाइपो हाइपर थायराइड के लिए। T3, T4, TSH, ये TSH को इम्बैलेंस में होता है मेनली जो इश्यू, क्योंकि थायराइड ग्लैंड एक्चुअली एक बटरफ्लाई फॉर्मेशन में होता है, और ये कनेक्टेड होता है हमारे मिडल ऑफ ब्लैंक में, ठीक है। जो नॉर्मली डॉक्टर लोग दे देगा थायरोक्सिन टैबलेट 5 mg से 75 mg तक होता है नॉर्मली जो मेडिसिन का पावर, और इस जो मेडिसिन के साथ भी ये भी ले सकता है, और उसके बाद विदाउट डाइट विदाउट मेडिसिन आपको 2 साल तक कंट्रोल पे रहने के लिए मदद करेगा, फिर भी मेडिसिन लेना पड़ेगा क्योंकि थायराइड का इश्यू क्यूरेबल नहीं है, कंट्रोल कर सकता है बस, ओके, बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, ऐसा कंट्रोल पे इतना है सर। इसका नाम है टॉर्च जिंजर लिली, एक बार ये टच करके देख लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ बालों के लिए, हमारा बाल भी उतना स्ट्रेंथन इसमें मिलेगा सर।
क्योंकि इसके साथ आता है भृंगराज, करनोची, नीलांबरी, ओरिला, सारी चीज। शौक लागला ये हमारा बालम की चीज मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें जिंजर नहीं है, जिंजर में मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसा फूल आने के लिए 2 साल लगेगा। वाह, 2 साल। उसके बाद ये फूल पूरा चला जाके इसमें एक पाइनएप्पल तरह की फॉर्मेशन मिलता है, वो ये जिंजर, ठीक है, वो ये मेन हमारा मेडिसिन। मैं आपको दिखाऊंगा नीचे। और ये कितने साल तक ट्री रहता है? एक बार में एक ही होता है? दो फ्लावर होता है मैम, ये एक ही स्टेम में 2 फ्लावर होता है मैक्सिमम, बस इससे ज्यादा नहीं होता। क्या नाम है इनका? बोले सर, टॉर्च जिंजर लिली। टॉर्च जिंजर लिली सर, ये एक्चुअली इसका नाम है सोर्स ऑफ नहीं तो मुल्लता। एक एक्चुअली एक इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि हमारा केरला में सिर्फ एक ही जगह में होता है कैंसर के लिए फ्री आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, वो वायनाड में। तो ये सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमने लेके आया, ये एक्चुअली कैंसर पेशेंट्स को देने के लिए, कैंसर सेल को रीग्रोथ मतलब ग्रोथ को प्रिवेंशन करने के लिए, ठीक है। और ये चीज़ है मुरीगूटी, ऊपर से नीचे तक सर्विकल स्पोंडिलोसिस, सायाटिका, डिस्में होता है जो गैप का इशू, नहीं तो बल्जिंग, और उसके बाद वो लेडीज लोग को ज्यादा होता है ये इशू, कैरी होने के टाइम इधर ही होता है ज्यादा प्रेशर, लंबागो रीजन कहते हैं वो। डिलीवरी होने के बाद 10 साल नहीं तो 20 साल के बाद शुरू होता है वो इश्यू, उसको भी कम्प्लीटली क्योर कर सकता है इसमें, क्योंकि अंदर इन्फ्लेमेशन होने वजह से होता है जो बैक पेन। और नॉर्मल डॉक्टर लोग दे देगा सेडेशन, नहीं तो इंजेक्शन वगैरह चीज वो यूज करेगा। तो नॉर्मली हमारे ब्रेन में 5 पार्ट्स होता है, सेरेब्रम, सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस एंड मिडिला ब्रांकेटा, जो थैलेमस में एक्ट होता है, क्योंकि ये चीज वो अंदर होता है जो इन्फ्लेमेशन, वो सारी बाहर आने के लिए भी मदद करेगा और कम्प्लीटली क्योरेबल है इसमें, क्योंकि ये इंटेक करने के लिए कुछ भी नहीं है, ऊपर से नीचे तक ऑयल है वो लगाना है, पूरा कोर्स 40 दिन का, आपको रिजल्ट इसमें 30 डेज का अंदर मिलेगा, और फिर भी 10 दिन बाकी है, क्योंकि वो प्रिवेंशन के लिए, क्योर प्लस प्रिवेंशन, ठीक है। वो ये मुरीगूटी, मुरीगूटी कितना साल का इश्यूज है तो भी सर ज्यादा नहीं चाहिए, 30 डेज का अंदर ही रिजल्ट मिलेगा। कौन सा? मुरीगूटी मैम, मुरीगूटी उतना वो जेंट्स एंड लेडीज दोनों, यस मैम, दोनों को यूज कर सकता है, वो भी लेना है सर। ओमेगा फिश ऑयल का, फिश ऑयल का वही यूज करके देख लीजिए। मेडिसिन के साथ मतलब ऐसा तेल नहीं तो आप बाहर आपको चाहिए तो कोई मेडिसिन के साथ ये भी आप ट्राई करके देख लीजिए। ओमेगा 3 आई नो 40 डेज आप कंटिन्यूसली यूज करके देख लीजिए, उससे कुछ हार्मफुल नहीं होता, कुछ भी नहीं है मैम, क्योंकि जो मैं ये वाला है एक छोट, यस क्वीन ऑफ स्पाइसेस, ये स्मेल भी ऐसा है इसका, इसलिए एक छोटा प्लांट इतना बड़ा होने के लिए 10 साल लगेगा, ये 20 साल का ज्यादा हो गया। हाँ, एक छोटा बच्चा देखने तरह ऐसा देखना पड़ेगा मैम इसको भी, क्योंकि जितना टाइम लगेगा एक इसमें आपको जैसा अभी ये छोटा है, ठीक है, ये 20 साल का ज्यादा हुआ, ये छोटा है ना, ये सर इसमें 2 सेट रूट होता है, 1 सेट रूट मिट्टी का ऊपर, दूसरा मिट्टी के नीचे। ऐसा फूल देखा सर, ये फूल से आता है छोटा छोटा ऐसा इलायची, ये वाला छोटा वाला है, देगा 10 केजी लेके जाके ड्राई करेगा तो सिर्फ 2 केजी मिलता है आउटपुट, क्योंकि हाँ, क्योंकि 90% पानी ज्यादा है, पानी ज्यादा है, इसलिए ज्यादा कॉस्टली है चीज। और एक ही प्लांट में आपको मैक्सिमम मिलेगा 5 केजी, ड्राई करेगा तो आधा केजी नहीं, तो नॉर्मल इलायची है वो ही है मैम, क्योंकि इसलिए ज्यादा कॉस्टली होता है, वो सूखता है ना, कॉस्टली है, इसको ड्राई करना है इसलिए कॉस्टली होता है। 10 केजी में से खाली 2 केजी अपने को उतना मिलता है, वही है रीजन। और फर्स्ट क्वालिटी ग्रीन कलर का, सेकंड क्वालिटी ब्लू कलर का, ब्लू कलर ज्यादा यूज करेगा तो एक ही चीज कम हो जाएगा लेडीज का। एक महिला ने मां बनने के लिए एक ही बर्थ हार्मोन चाहिए, ऑक्सीटोक्सिन, वो हाइपोथैलेमस में होता है, जो ऑक्सीटोक्सिन का लेवल कम हो जाएगा मैम, फिर भी जो ऑक्सीटोक्सिन का लेवल बढ़ने के लिए कुछ भी मेडिसिन नहीं है अभी, इधर भी नहीं मिलेगा आपको मेडिसिन, तो इसलिए सेकंड क्वालिटी मैक्सिमम अवॉइड करना ब्लू कलर का। और छोटा वाले जो लड़की बच्चों है तो उनको ब्लू कलर मत देना। वो नॉर्मल कैसे पहचानने को मिलेगा मैम? नॉर्मली होता है मैम ग्रीन कलर में, ग्रीन एंड येलोइश कलर दोनों एक साथ में होता है उसमें, वो ये फर्स्ट क्वालिटी। कोको प्लांट, वो कितना सा है? यही सारी कोको प्लांट चॉकलेट। और इसका नाम है वादन कुल्ली, वादन कुल्ली मतलब पैर के पीछे वेन ऐसा राउंड राउंड करके होता है, वेरिकोस वेन कहता है, नहीं तो स्पाइडर वेन, इसके लिए, क्योंकि नॉर्मली जो वेन को रिमूव करना पड़ेगा नहीं तो सर्जरी करना पड़ेगा, दोनों कर सकता है। वो जो नस बाहर से दिखता है वो, ये कैसा था आपको जब जाना चाहिए,
क्योंकि हमारे बॉडी में दो टाइप इंजन होता है, दो इंजन, दो टाइप नहीं, दो इंजन होता है। नंबर वन इधर ही हमारा हार्ट, नंबर टू इधर ही काफ मसल। जो बीपी का वेरिएशन में होता है ऐसा इशू, ठीक है, जो बीपी वेरिएशन होने वजह से ब्लड का हमारे ग्रेविटेशन फोर्स नीचे जाना है, ठीक है, ऐसा वो ब्लड पूरा नीचे जाएगा और ऊपर आना है ना मैम, ये हमारे काफ मसल का फंक्शन है। तो इधर का वेरिएशन ये काफ मसल को जो मैनेज नहीं कर सकता है, तो इसलिए ब्रेन में इंफ्लामेशन नहीं तो डैमेज होता है, इसलिए जो ब्लड क्लॉट वगैरह होता है और स्वेलिंग भी, तो ये वीरिकोस वेन, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में मिलेगा आपको आपको ब्लू कलर का, फर्स्ट स्टेज ऐसा होता है ब्लू कलर, सेकंड स्टेज ब्लैक कलर, उसके बाद सर्जरी वगैरह कुछ करना है, क्योंकि ये चीज़ सारी उसमें यूज़ कर सकता है वीरिकोस वेन के लिए। पूरा 40 दिन का कोर्स है, पूरा 40 दिन, 30 डेज का अंदर कितना साल का इश्यूज है तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा, उसके बाद भी आप मत छोड़ना, क्योंकि उसके बाद होता है प्रिवेंशन। इसलिए आपको कुछ सर्दी कुछ पकड़े तो डॉक्टर के पास आप जाएगा और डॉक्टर ने 7 दिन का मेडिसिन दे रहा है, 2 दिन के अंदर आपका सब ठीक हो गया, तो मतलब क्या उसका क्या मीनिंग है, मतलब जो मेडिसिन आप ऐसा जाकर डस्टबिन पे डालना है ना सर, ऐसा नहीं है। 2 दिन का अंदर ठीक हुआ तो आपका बॉडी में रेसिस्टिंग पावर नहीं है तो इम्यूनिटी है, तो क्या के लिए 5 दिन, क्योंकि वही सेंसन में वही डिजीज फिर भी नहीं आना, वही है प्रिवेंशन। ओके, ठीक है सर, वही एक ही कोर्स आयुर्वेदा में, एक ही कोर्स ऐसा कोर्स होता है ये पूरा 40 दिन का, ठीक है। और इसका नाम है अदुलसा, आस्मा ब्रोंकाइटिस वीजिंग इश्यू, सुबह सुबह उठने के बाद नोस ब्लॉकेज, रनिंग नोस वगैरह सारी चीज होते हैं, तो इसके लिए क्योंकि पूरा 45 डेज का, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा क्लीन करने के लिए मदद करेगा। और कोई आदमी सिगरेट नहीं है तो दारू वगैरह यूज करेगा तो इसका इफेक्ट लंग्स में भी आने के लिए चांसेस होता है, तो लंग्स के भी प्रोटेक्ट करने के लिए मदद करेगा चीज, ठीक है। और इसका नाम है इडम्पीरी वालम्पीरी, सिगजैग मोशन में होता है, ठीक है। लीवर के लिए फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, सिर्फ उतना नहीं है, लिवर का फंक्शन बूस्टअप करने के लिए, क्योंकि हमारा जो ब्लड का अंदर होता है केमिकल कमी, क्योंकि हमको खाना पीने चीज़ों में कुछ भी ऑर्गेनिक चीज़ किधर भी नहीं मिलता है, सारी केमिकल्स होता है, जो ब्लड से जो केमिकल रिमूव कर रहेगा उसका नाम है बाइल कहता है, BILE, वही चीज़ है हमारा मेटाबोलिज्म, फिल्ट्रेशन और मल्टी वाइटमिन स्टोर करने के लिए, प्रोटीन को भी स्टोर करने के लिए और डाइजेशन भी प्रॉपर करने के लिए मदद कर रही चीज़, तो इतना करने के लिए मदद कर रहे हैं, मतलब लिवर का फंक्शन बूस्ट अप करने के लिए मदद करता है चीज़। Then we have to take a continue also. सर सिर्फ 40 दिन का। Why our course of the 40 days? सर क्योंकि 30 डेज मिनिमम, मैंने जो पहले बोला क्योंकि इंग्लिश मेडिसिन तरह नहीं है और होम्योपैथी तरह नहीं है उतना जल्दी नहीं मिलेगा, हमको ये टाइम टू टाइम लेना जरूरी है सर। वो पूरा लिवर के लिए 40 दिन कितना, कोई 40 दिन का ज्यादा एक आदमी कोर्स लेने के लिए जरूर नहीं है, पूरा 40 दिन इन डे वन टाइम या टू टाइम? दो टाइम सर, एक ही बोटे 10 दिन चलेगा। ये अगर आप आयुर्वेदिक कर रहे, आयुर्वेदिक के साथ क्योरनेस भी रहता है। हाँ यस मैम, उसके साथ क्योरनेस भी रहता है कि उसके अगेंस्ट हम कुछ और नहीं कर सकते मैम, नहीं ऐसा नहीं है या कुछ है नहीं है आयुर्वेदिक। अभी आपको मैंने जो बोला जो थायराइड का इश्यू, डायबिटीज वगैरह चीजों, नॉर्मल डॉक्टर दे देगा डायबिटीज के लिए, दे देगा मेटफोरिन नहीं तो ग्लाइकेमेट 500 mg का, जो मेडिसिन के साथ भी ये भी ले सकता है। और आपको कोई अभी लिवर का कुछ 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 प्रॉब्लम होते हैं आप मेडिसिन ले रहे हैं तो अगर आगे क्योरनेस के लिए, हाँ क्योंकि अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मतलब जो वो प्रिवेंशन करने के लिए मदद करेंगे मैम, उसके से पहले ले गए तो, क्योंकि ईयरली वंस हम दो चीज जरूरी करना है सर, नंबर वन लिवर के लिए और नंबर टू ब्लड प्यूरिफिकेशन, ये दोनों चीज हम करेगा तो 80% हमारे डिजीज हमको क्योर कर सकता है, जो नहीं आएगा है, जो सारी चीजों में मैम जो जरूरी करना है, मेडिसिन का अभी आपने जो बोला आप बोल रहे हैं बट वो अभी के लिए याद है, बाकी तो हम लोग का आउट ऑफ माइंड ही जा रहा है, तो वो कुछ बुक्स वगैरह या कुछ तो आपके यहाँ से मिलेगा, क्योंकि अभी इतना मेडिसिन वो सारी हमारे ब्रोशर है नीचे, हाँ वही, अभी इतना मेडिसिन हम लोग परचेस कर भी नहीं पाएंगे और हम लोग को पता भी नहीं चलेगा, आफ्टर दैट वी आर रिसर्चिंग की क्या है क्या नहीं, उसके बाद आप सब लोग वो मंगा सकते हैं मेडिसिन, तो वैसे भी हो सकता है, क्योंकि तुरंत तो हम लोग नहीं ले सकते और हम लोग को याद भी नहीं रहेगा अभी जाने के बाद, तो अगर आपका कुछ बुक्स रहेगा कि हर एक चीज का अगर हम लोग को प्रेसिपिटेशन रहेगा श्योर श्योर हम लोग को मंगा सकते हैं, ऊपर मुझे क्या, क्योंकि मेरे घर पे हार्ट डिजीज, हाई लेवल फॉर एसिडिटी मैम, एक्चुअली एसिडिटी के लिए एसिडिटी गैस्ट्रिक इशू वगैरह चीजों के लिए से दोनों चीजों लेना है कंप्लीट, नंबर 1 कह दीजिए